गुड इवनिंग, मैं रवि रंजन, राज रजस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के 15 सवालों का एक सेट डिस्कशन करेंगे, जो आपके आगामी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक एवं तमाम जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के लिए आयोग गठित करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आप लोग भी जवाब देंगे और जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देंगे। देखेंगे ऑप्शन ए है आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 का ए। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 337, अगला अनुच्छेद है 334 और अनुच्छेद 339। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। देखेंगे प्रारंभ में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के लिए गठन का प्रावधान जो है का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया था, लेकिन 89 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आयोग गठित किया जाएगा और उसके लिए आर्टिकल 338 का ए जोड़ा गया। देखेंगे इसमें जो है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। ऐसा कब किया गया? तो देखेंगे 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ऐसा प्रावधान किया गया। देखेंगे अनुच्छेद 334, देखेंगे अनुच्छेद 334 में जो है विभिन्न जो है समुदाय खास करके अनुसूचित जनजाति जाति के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है स्थिति उनके शिक्षा के संबंध में वर्णन किया गया है। और देखेंगे अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के जो है प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग भी बताएंगे वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। देखेंगे भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इस राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? मनरेगा, देखेंगे इसे मनरेगा कहा जाता है मनरेगा। ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। तो आप लोग भी बताएंगे मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के संबंध में क्रियान्वयन करने, योजना बनाने का अधिकार किसके पास है?
तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। देखेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के लिए योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और उसका संपादन करना का अधिकार दिया गया है। देखेंगे मनरेगा जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत जो है फरवरी, देखेंगे इसकी शुरुआत जो है फरवरी 2006 में किया गया था। देखेंगे यह प्रारंभ में प्रायोगिक तौर पर भारत के 200 जिला में शुरुआत किया गया था मनरेगा। देखेंगे इसका उद्देश्य था, मनरेगा का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना वैसे लोग जो साल में 100 दिन तक रोजगार अगर प्राप्त नहीं करते तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देने का लक्ष्य था इसमें। देखेंगे जिसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो है बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में महानगर योजना समिति पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। ऑप्शन दो है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्ररूप करती है। ऑप्शन तीन है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे इसमें सत कथन को पहचानना है, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। देखेंगे इसका आंसर जो है, देखते हैं ऑप्शन, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, सही है। देखेंगे इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 243 के छेद ई में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के छेद ई में भारत में महानगर योजना समिति का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन सही है, उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 243 के जेडी में है। तीसरा, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व करती है, यह गलत है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक और दो हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुने। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर चुने, राज्य निर्वाचन आयोग सही है, जिला नियोजन समिति सही है और राज्य वित्त आयोग सही है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। देखेंगे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वें अमेंडमेंट 1992 में हुआ था और शहरी प्रशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है और राज्य वित्त आयोग का वर्णन भी जो है 243 का आई में है और 243 के वाई में भी इसका वर्णन किया गया है। देखेंगे जिला नियोजन समिति का वर्णन भी जो है अनुच्छेद में किया गया है, 243 के जी में किया गया है। इस तरह से आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने।
देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो आप लोग भी बताएंगे कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है। देखेंगे संवैधानिक प्राधिकरण कहने का तात्पर्य इसका वर्णन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है। तो देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन भी अनुच्छेद 243 के में है, राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243 के आई में है और जिला पंचायत का वर्णन 243 के जो है ख में है यानी बी में। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यह जो है एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आंसर हो जाएगा बी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, अनुच्छेद 1955 में बी जी खेर की अध्यक्षता में, अनुच्छेद 1960 में एम सी छागला की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो आप लोग भी बताएंगे अनुच्छेद 349 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके लोग जो है आपके मित्र लोग लाभ उठा सके। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद इस रिपोर्ट पर जांच करने के लिए 1957 में संसदीय समिति का गठन किया गया था और गोविंद बल्लभ पंत उस संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। देखेंगे 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किया और 1957 में संसदीय समिति जो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित हुआ था उसने इस पर जांच किया। तो आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन है 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन। देखेंगे 53वां संविधान संशोधन के द्वारा 1986 में 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 371 के 6 के तहत इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। देखेंगे 1994वां संविधान संशोधन 1986 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। देखेंगे 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां राज्य बनाया गया और देखेंगे मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था। और देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था जिसमें संविधान में 10वां अनुसूची जोड़ा गया था और इसके द्वारा भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में दल बदल
देखेंगे दल बदल, दल बदल कानून को जोड़ा गया था। देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ को 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत दल बदल कानून को शामिल किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, मिनर्वा मिस बनाम भारत संघ। देखेंगे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज 1950, गोलकनाथ बनाम 1967, केशवानंद भारती 1973 और 1980 में। देखेंगे आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम सॉरी आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के संविधान संशोधन के शक्ति को सीमित किया था और सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में मामले में कहा था कि संसद जो विधायिका है जो सिर्फ कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान संशोधन की शक्ति को देती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके संबंध में निर्णय देती है। देखेंगे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज में मौलिक अधिकार से संबंधित जो है आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। मिनर्वा मिस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती के मामले में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित किया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? देखेंगे संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 44वां संशोधन। तो देखेंगे आप लोग भी बताएंगे विधानसभा में कोई भी मेंबर अगर दल बदल करता है तो किस संशोधन के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो देखेंगे भारत में दल बदल की घटनाएं 70 के दशक में जोड़ों पर थी, तो तत्कालीन सरकार ने 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वां अनुसूची को जोड़ा और इसी में दल बदल कानून को शामिल किया गया। अगर कोई भी राजनीतिक दल के मेंबर अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जिसका वर्णन संविधान के 10वीं अनुसूची में है। देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, देखेंगे इसे संविधान को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं और देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार संशोधित किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसी बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को मानने के लिए उसे मजबूर किया गया था। देखेंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 में ही यह प्रावधान किया गया कि
अगर कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और साथ ही साथ जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1978 में आर्टिकल 352 में अनुच्छेद 352 के खंड 2 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से, अनुसूचित जाति जनजाति से। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से। देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ही 1951 में 9 शेड्यूल 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसका विषय क्या था? भूमि। देखेंगे उस समय जो है भूमि से सुधार से संबंधित कानून बनाए जा रहे थे, भारत में जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं शेड्यूल को जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि जो विषय 9 शेड्यूल में रहेंगे वह न्यायालय के जुडिशरी रिव्यू में यानी न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? देखेंगे वह कौन सा विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। देखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के विषय में प्रावधान करता है। तो देखेंगे संविधान संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है, अर्थात संसद जो है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदन से पारित कर सकता है। देखेंगे साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति है। अगर कोई साधारण विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 6 माह तक जो है अपने पास रोक सकता है। यानी साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है और दोनों सदन को समान अधिकार प्राप्त है। देखेंगे मनी बिल जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। देखेंगे धन विधेयक का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और धन विधेयक के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद जब धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। अगर धन विधेयक को लोकसभा 14 दिनों के अंदर पारित नहीं करता है तो अपने आप दोनों सदन से पारित मान लिया जाएगा। देखेंगे वित्त विधेयक जिसे आम बोलचाल में बजट बोला जाए तो देखेंगे वित्त विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है और देखेंगे वित्त विधेयक संसद में प्रस्तुत होने के 75 दिनों के बाद 75 दिनों तक जो है दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा संसद के संयुक्त बैठक आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे संसद के संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और जो है वित्त विधेयक पर होता है। तो देख लेंगे साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्ति है, वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्ति है, लेकिन वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। देखेंगे धन विधेयक जो है
लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा उसे मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है। और देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा, लेकिन दोनों सदन से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। देखेंगे संघ सूची, देखेंगे सातवीं शेड्यूल जो है, सातवीं अनुसूची, देखेंगे सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है और इसमें तीन लिस्ट का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखेंगे तीन लिस्ट की बात की गई है। संघ सूची में जो विषय वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है। देखेंगे जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सॉरी राज्य सरकार को है। और देखेंगे जो विषय समवर्ती सूची में वर्णित है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र और राज्य एक ही विषय पर कानून बनाता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। अब देखेंगे पूछ रहा है जो सब्जेक्ट सौंपे गए हैं जो आपके ऑप्शन में है वह कौन जो है जो संघ सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखेंगे बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा गैस। बैंकिंग संघ सूची का विषय है, बीमा संघ सूची का है, जनगणना संघ सूची का है और गैस राज्य सूची का विषय है। साथ ही साथ देखेंगे जनगणना और देखेंगे अगर होगा जनसंख्या, अगर पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण, अगर पूछे जनसंख्या नियंत्रण या पूछे परिवार नियोजन, अगर पूछे परिवार नियोजन तो देखेंगे ये जो है ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। देखेंगे समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय है 52। देखेंगे संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है गणना के, काउंटिंग के, ऐसे आज भी 97 है और राज्य सूची में वर्तमान में जो है 59 सब्जेक्ट है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे कामराज योजना का उद्देश्य था समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना और सहकारी कृषि का समर्थन। आप लोग बताएंगे कामराज योजना का उद्देश्य क्या था। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कामराज योजना का संबंध क्या था, इसका उद्देश्य क्या था और कामराज योजना का जो है गठन कब किया गया था। ठीक है, तो देखेंगे कामराज योजना का जो उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। देखेंगे 1963 में कामराज योजना का गठन किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य था जो कांग्रेस जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसको कैसे जीवंत बनाया जाए। आइए आज के अगले और लास्ट सवाल को देखते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को किस वर्ष 3 सदस्यीय बनाया गया। ऑप्शन है 1982, 1988, 1989, 1990। तो देखेंगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, तब इलेक्शन कमीशन 1 सदस्यीय था। देखेंगे 1989 में यानी 1989 में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया जो 1990 तक चला, लेकिन फाइनल रूप से अगर पूछेगा तो निर्वाचन आयोग को 1993 में 3 सदस्यीय बनाया गया।
तीन सदस्यीय कब बनाया गया, तो 1993 में। लेकिन आपके जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार से आपका आंसर होगा 1989, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में, 25 जनवरी 1950 में यानी 1950 में हुआ था। तब यह एक सदस्यीय था। 1989 में इसे तीन सदस्यीय बनाया गया, जो 1990 तक चला, और फाइनली रूप से 1993 में निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया। देखेंगे भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है, और कब से मनाया जाता है, तो 2011 से, याद रखेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से आज के सेट में 15 सवाल थे जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।